ये दिल की लगी, दिल की लगी। जिमी हारून बेटा, क्या रहते हैं, घर कब चलो? अम्मी, मैं अलीना को इस हालत में छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ। चलो ठीक है, तुम अलीना के साथ रुको, मैं अम्मी को ले जाता हूँ घर। तुम्हें पता है ना, ब्लड प्रेशर की मरीज है, उनके लिए रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है भाई, अम्मी आप जाइए, मैं फ्री होकर आऊंगा, फिर आपसे बात करता हूँ। हारून वो बाद में बात करेंगे, आप जाइए। क्या कर रही हो? क्या बोल रही हो? अम्मी अम्मी ये क्या बोल रही? बेटा वो मैं सिर्फ बाजू से पकड़ के हटाया था मैंने। झूठ बोल रही हो? चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया। तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। मैं क्यों तमाशा बना रहे हो यार? प्लीज चले जाओ यहाँ से। क्यों इनको इज्जत दे? फरहान भाई, मैं सिर्फ ताज़ियत करने आया। किस बात की ताज़ियत? तुम्हारी बहन ने मेरी अम्मी की जान ली है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या आप ही ने? क्या कह रही हो तुम? जी अम्मू, और ये यहाँ पे हम सब दादी का ड्रामा करने आए हैं। कोई जरूरत नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं कि इनकी ताज़ियत की जाए। चलो यहाँ से। भी कम से कम आज के दिन तो ऐसे मत करो। इतनी इंसानियत नहीं बची आपके अंदर? क्या इंसानियत दिखाऊं? तुम्हारे भी गिरेबान पे जब पड़ेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। छोड़ो, चलते हैं। अच्छा राशिद, इजाजत दो, चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ना ख्याल रखिए, कोई फिक्र नहीं, मैं तुम्हारे साथ। अच्छा भाई साहब, अच्छा चल रहे हो हमारे साथ? नहीं यार, मैं फिलहाल यहीं रुकूं। अच्छा चल, यहीं पे चल। अच्छा जरूरत क्या थी वहां जाने की? अम्मी आप उसको रोक नहीं सकती थी? मैंने तो रोका था बेटा। अरे क्या रोका था, हम तो वहां गए थे सिर्फ बात करने के लिए, और वो बेटियां बहुतान लगा रही थी। अब कौन सा बहुतान लगा दिया उन्होंने? वो जो कुछ भी हुआ है ना, इसका नतीजा जानती हो तुम? क्या मतलब? क्या नतीजा? वो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस उठा के यहां से ले जाएगी तुम्हें। ऐसे कैसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे? कोई सबूत है इस बात का? सबूत? सबूत है उर्वा, और उसने सब कुछ देखा। वाह, उर्वा ने मेरे पे इल्जाम लगा दी तो सब उसकी बात मान लेंगे क्या? अम्मी भी तो थी वहाँ, उन्होंने भी तुम्हें देखा, और ये बात कंफर्म है कि उनको धक्का तुम ही ने दिया, समझी था? अच्छा, तो आप क्या मेरे खिलाफ झूठी गवाही देंगी? अम्मी मैं, अगर आपने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी ना, तो मैं भी कह दूंगी कि आप मेरे साथ थी, मिलके धक्का दिया था हमने, और इस बात की तो उर्वा भी गवाह है, तो दोनों मिलके बैठेंगे जेल में। मैं आपके गम में शरीक होने आया हूँ चाचा जान। कोई जरूरत नहीं हमारे गम में शरीक होने के लिए, बहुत लोग हैं। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे झूठे दुश्मन की हमदर्दी की जरूरत नहीं है हमें। दफा जाओ यहाँ से। आ गए? शक्ल से तो लग रहा है खूब इज्जत अफजाई करवा कर आए। अरे मना भी किया था कि वहां मत जाना, क्या जरूरत थी इस वक्त तमाशा बनवाने की अपना?
मम्मी आपको कुछ पता ही नहीं है, वो लोग कह रहे थे कि आप ही ने मारा है चची को। क्या बकवास कर रहे हो, आप ही ने मारा है? अरे पागल है, झूठे वो लोग, मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा रहे, इंतहाई झूठे है वो लोग। वो लोग झूठे नहीं है, मैं बताता हूँ आपको क्या है सच। मकसद तो अरसल का भी गलत नहीं था हुआ, लेकिन तुमने और तुम्हारे अपू ने मिलकर उसे मुजरिम बना डाला। वो तुम्हारे लिए उमेर से क्यों लड़ता है कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बीवी समझता है, तुम्हें चाहता है, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। काश यही बात तुम्हारे अपू ने की होती तो आज नौबत यहां तक न पहुंचती। बस करो ना, कब तक खुद को इस तरह तकलीफ में रखो? सो तुम्हारे साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा भी अजियत में है, उसका सोचो, उसके लिए खुद को संभालो, उसे भूलने की कोशिश करो। कैसे भूलना पड़ सकता, कब तक अभी जिंदा थी, उससे बातें कर रही थी, मेरा ख्याल रख रही थी, जो आखिरी बार मुझसे पूछ रही थी, बताओ तुम्हारी पसंद से क्या कभी कभी वापस नहीं आएगी हर सर? सबर तो करना होगा ना हुलवा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, तुम मेडिसिन ले लो। मेडिसिन आपने अपनी दवा ली? दवा तो मुझे मुमताज देती थी हमेशा, कभी भी नागा नहीं करती थी, मैं तो खुद भूल जाता था अपनी दवा लेना। बेटा मत रो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, बस सबर करो। काश मैं भी बचा सकती। नहीं बेटा, अल्लाह को यही मंजूर था, जो रब की मर्जी। लेकिन अबू हमें बिल्कुल भी सबर नहीं करना चाहिए, आप कल सुबह जाएं और अब्बर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं। लीना तुम क्यों इतना अग्रेसिव हो रही? हारून मेरी अम्मी का कत्ल हुआ अंबर भाभी की वजह से। लेकिन अलीना, हारून मैं अपनी अम्मी के कातिलों को नहीं बख्शूंगी, अंबर भाभी को उनके किए की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। अलीना ठीक कह रही है, अगर अंबर ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है तो उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। मत करो, हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना इस बारे में।
प्लीज आप माफी क्यों मांग रहे हैं? 5 साल से इन्होंने हमें इस रिश्ते के नाम से ब्लैकमेल किया, ये लोग फ्रॉड किया, आप लोग क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? आज इस किस्से को खत्म करते हैं फिर। नहीं उमेर, नहीं उर्वा, मैं तुम्हें तलाक दे दूं। उमेर तलाक दे दूं। उमेर आप कुछ खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। मुझे अंदाजा है उमेर कि आप किस अजियत से गुजर रहे हैं, और वक्त दुख आपके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मैं उसे दिलासा नहीं दे सका। मेरे सामने रो रही थी, मैं उसके आंसू नहीं बोल सका। मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं, मैं किस कर्ब से गुजरा हूं, तुम सोच भी नहीं सकती। और वो आप ही पे लगाया गया इल्जाम कैसे फेस करूंगा मैं? मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तूने मुझ पे से तुम ही किए। इश्क दरोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो, जख्मी भर ना पाए। ये उर्वा हमेशा मेरी बात सुनती है, मानती है, मगर तुम हो के मेरी बात का ध्यान ही नहीं करती। अम्मी आप जानती भी है ना आपी की क्या हालत है, आपकी बातें मान मान के नतीजा देख लें आप। हर वक्त वो बस दुख में ही रहती हैं, किसी से कुछ कहती भी नहीं है वो। अलीना कब तक यूं परेशान रहोगी? जब तक अम्मी के कातिल को सजा नहीं मिल जाती। देखो उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया। हारून अगर तुम अंबर की वकालत करने आए हो ना तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। अलीना मेरी बात सुनो, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ, इट वाज एन एक्सीडेंट। नहीं हारून, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ कर किया, वो कातिल है मेरी अम्मी की। अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि वो आंटी के साथ घर से तमाशा करके या अम्मी के पास आएंगी तो मैं वही रोक लेती, मेरी अम्मी की जान तो बच जाती। तमाशा? कैसा तमाशा? देखो अलीना, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं, ये तुम मेरे पे नहीं डाल सकती, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौन से करतूत? अरे ये तावीज तुम जलाती हो, हाजरा गवाह उसको तुम्हें देखा था। ये तावीज आपने छुपाया था अंबर भाभी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास हाजरा ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, अब तुम मुकर नहीं सकती, बताओ हाजरा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम? अलीना के घर जा रहे। अच्छा जाओ। क्यों तुम नहीं जाओगी? मैं पागल हूँ? कल मेरी इतनी इंसल्ट हुई है, बार बार चली जाओ जलील होने के लिए उनके पास। मतलब इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हारे माथे पे जरा भी शिकन नहीं आई ना? तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं शर्मिंदा क्यों होंगी? मतलब हद है डिटाई की, कम से कम साथ चल के तो माफी तो मांग सकती हो। अम्मी है ना तुम्हारे साथ, वो मांग लेगी माफी। हाँ कारनामे तुम अंजाम दो, माफी अम्मी मांगे। क्योंकि अम्मी भी तो उस दिन मेरे साथ थी, याद आया? बेटा चलो, इस तरह लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है घर में, चलो।
फरवा, फरवा बेटा क्यों परेशान हो, खामोश खड़ी हो, क्या हुआ? बेटा बोलो ना, उमैर ने कुछ कहा है? आंटी वो कल रात से उर्वा का गम मना रहे। बेटा उर्वा कैसी है? बहुत फिक्रमंद हूँ उर्वा के लिए। फिक्र तो मुझे भी बहुत है। पूरी रात जागती रही है, सलसल रो रही थी। बेटा उसे समझाओ, मां के दुख में कहीं बच्चे को ना खो बैठे, तुम उसे घर ले आओ। बात करूंगा उससे। अब तुम जाओगे उससे मिलने? जी मां। चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून, तुझको जो पालू मैं अपना बना लू मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून। मेरे सारे अरमां है तेरे लिए, फिर भी तू पैसे तुम ही किए, इश्क का रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्मी भर ना पाए, ये दिल की लगी दिल की लगी इसका पता यार की गली। उमर अरे कुछ तो ख्याल करो, क्यों उसे दुख दे रहे हो? उसका नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अम्मी ऐसी बात नहीं है। देखो उमर, उर्वा को भूल करना, अपने घर पर तवज्जो दो। अरे नौकरी ढूंढो नौकरी। अम्मी ढूंढ तो रहा हूँ ना मैं। तुम्हें मालूम है कि मेरे पास अगले महीने के खर्च के कोई पैसे नहीं है। क्या करूँ मैं? अरे क्या मतलब, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सालों से अपनी कमाई के पैसे मैं सिर्फ आप ही को दे रहा हूँ। किसी पाई का हिसाब मांगा है मैंने कभी आपसे? क्या मतलब है तुम्हारे इस बात का? तो अम्मी आपने कुछ सेव क्यों नहीं किया, कुछ क्यों नहीं बचाया कि बुरे दिनों में आप यूज कर सके? अरे तुम्हारे तो कई महीनों से बुरे दिन चल रहे हैं, कई महीनों से तुम बेरोजगार घूम रहे हो, परवाह ही नहीं है तुम्हें कुछ, और मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पास कोई कानून के खजाने रखे हुए थे जो तुमने मुझे दिए थे और मैंने खर्च कर दिए। देखिए मैं फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं। जॉब मिल जाएगी तो घर का खर्चा भी दे दूंगा। अरे तो उस वक्त तक मैं क्या करूं, तुम्हारी बीवी से मांगू क्या? हाँ तो मांग लेना इससे, अपने घर वालों को भी तो सपोर्ट कर ही रही है। चार दिन अपने मियाँ का हाथ बटा देगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो सबको हक याद रहता है ना, फर्ज निभाते हुए तो सबकी जान जाती है। मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत दुखी हो, शॉक में हो अब तक, लेकिन जो कुछ हुआ उसे किस्मत का लिखा समझ के एक्सेप्ट करना होगा। प्लीज उर्वा, कब तक इस तरह से रोती रहोगी तुम? खुद को संभालो। देखो तुम्हारे रोने से आंटी लौट कर नहीं आएंगी,
जो इंसान एक बार चला जाता है लौट कर नहीं आता फिर। अम्मी अबू अबू कैसे? वो बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम नहीं हो, तुम अपना ख्याल नहीं रख रही। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। देखो तुम अगर अपनी और अपने बच्चे की केयर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। अभी भी सिर्फ इस बच्चे के लिए कंसर्न है। मुझे तुम्हारी फिक्र है लेकिन तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चा तुमसे और मुझसे अलग नहीं है। अगर तुम तकलीफ में होगी तो ये बच्चा भी सफर करेगा। क्या तुम अपनी औलाद को तकलीफ में रखना चाहती हो? अभी अम्मी को मरे देने कितने हो? दो दिन से इन हालात में मैं तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान कैसे रिएक्ट करे? उर्वा मैं जानता हूं लेकिन देखो तुम्हें इस सिचुएशन से हटकर सोचना पड़ेगा। उर्वा तुम्हें निकलना होगा इस सिचुएशन से अब। इसीलिए मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि तुम ये सब भुला सको। मैं अबू और अलीना को छोड़कर नहीं जा सकती। अंकल के पास अलीना है। अलीना तो इस वक्त उर्वा तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय अपने और अपनी औलाद के। देखो तुम्हें इन सब जज्बात से हटकर सोचना होगा। देखो एक हादसा था ना जो आंटी की जान लेगी, खुदा ना खास्ता अगर वो तुम्हारे साथ कि उस दिन अम्मी की जगह मैं उर्वा जिंदगी की हर हैसियत से छुटकारा मिल जाता मुझे। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्मी भर ना पाए। अंकल जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, सबको उसका बहुत दुख है। अचानक से मौत का गम किसी सदमे से कम नहीं होता। क्या कर सकते हैं, अल्लाह की इसी में मर्जी थी। वो अल्लाह की मर्जी का नाम नहीं दे आंटी, जो हुआ है प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। नहीं अलीना, अंबर ने जानबूझ के ये सब कुछ नहीं किया। मैं मानती हूँ उसको मुमताज को धक्का नहीं देना चाहिए था, उससे गलती हो। गलती नहीं हुई आंटी, ये जुर्म है। अलीना बेटा, अंबर की तरफ से मैं माजरत करता हूँ। माजरत? किसी इंसान की जान चली गई और आप? देखो रुआ, अंबर ने मुझे खुद बताया उसने आंटी को धक्का नहीं दिया था, उसने बस जरा सा हटाया था। वो तो और भी बहुत कुछ कहती है फारहान भाई, सब पर घटिया इल्जामात लगाती हैं, किरदार कुशी करती है, जादू टोनर पता नहीं क्या क्या। तो क्या उनकी हर बात सच्ची है? जादू टोनर क्या मतलब? अपनी अम्मी से पूछ, उन्होंने भी अंबर के साथ मिलकर इल्जाम लगाए थे मेरी अम्मी ने। अम्मी ये क्या बात हो रही है? नहीं, मुझे घर में तावीज मिले थे, अंबर और अलीना एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, मैं घर में ही रह के वो बात क्लियर करना चाह रही थी। लेकिन अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में? उस घटिया औरत के इल्जामात का जवाब तो मैं दूंगी फारहान भाई, जब उसके खिलाफ केस होगा ना पुलिस स्टेशन में तब पता चलेगा। नहीं अलीना, नहीं राशिद भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये सब उसका कसूर नहीं था, मुमताज की मौत का तो एक बस बहाना ही था। आप यकीन करें वो सिर्फ एक हादसा था। मेरे घर की इज्जत का सवाल है और आपकी बेटी की भी इज्जत का सवाल है कि आप अपनी बेटी के घर पुलिस भेजेंगे? देखिए भाभी, अब्बू आपको कोई जरूरत नहीं इन सब बातों के बारे में सोचने की। हम किसी सूरत अम्मी का खून माफ नहीं कर सकते। लेकिन अलीना मेरी बात तो सुनो। मैं इस वक्त बहुत सदमे में हूँ,
लेकिन दिल चाहता है कि अंबर को भी मैं उसी तरह धक्का दूं जैसे उसने मुमताज को दिया। लेकिन याद रहे, ये दुनिया मकफात अमल है और सबको अपने अमाल साथ लेके जाना है। रब ताला से बढ़कर कोई मुनसिफ नहीं है और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। लेकिन अबू। नहीं बेटा, मैं पुलिस को तुम्हारे ससुराल भेजकर इन अच्छे लोगों को बेइज्जत नहीं करना चाहता। ये भी तो मेरे दुख में बराबर के शरीक है। अंबर का क्या वो खुद भुगतेगी? इंशाल्लाह रब देगा उसके किए की सजा। अच्छा अलीना, तुम्हारा क्या प्लान है? आज भी यहीं रुकने का इरादा है या मेरे साथ घर चल रही हो? मैं घर वापस नहीं जाना चाहती अलीना। हारून उस घर में मेरी माँ की कातिल रहती है, मैं जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच समझ के फैसला किया है आपी, मुझे नहीं जाना उस घर में जहाँ मेरी अम्मी की कातिल और उसे बचाने वाले रहते हैं। लेकिन अलीना, अब्बू ने तो माफ अब्बू ने किया है अभी, अगर को मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। खैर, इस बात के लिए तो मेरा भी दिल राजी नहीं, लेकिन अब्बू का मकसद महज तुम्हारे ससुराल वालों की इज्जत बचाना था। तो क्या बच गई उनकी इज्जत? इनका मसला तो हल हो गया ना, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, अंबर की वजह से अम्मी अपनी जान से हाथों बैठी है, क्या वो मुझे उस घर में नुकसान नहीं पहुंचाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा अलीना। और तुम अंबर के लिए अपना घर क्यों छोड़ रही हो? कौन सा घर आपी? मम्मी का फैसला दुरुस्त था, उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था कि हारून और तुम शादी के बाद अलग घर ले लो, ताकि अंबर और तुम्हारे दरमियान। काश मैंने इमोशनल होके जुबैदा आंटी की बात ना मानी होती। अम्मी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। जुबैदा आंटी को हमेशा अंबर सही लगती है, वो उसकी हर बात पे यकीन करती है। काश मैंने हारून से शादी की जिद नहीं की होती। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो अलीना? काश मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता कि जुबैदा आंटी और अंबर यहाँ आके अम्मी को हारून तुम जाओ, मैं उस घर में नहीं आऊंगी, तुम चले जाओ। हारून शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपना इल्जाम तुमने अलीना पर डाल दिया। कौन सा इल्जाम? तावीज वाले की बात कर रहा हूँ। तावीज वगैरह तो तुम पहन के घूमती हो ना। बस करो, इस तावीज को उस तावीज के साथ ना मिलाओ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो किस मकसद के लिए दिया था। औलाद के मकसद के लिए दिया था, वो भी मेरी अम्मी ने। अच्छा, मतलब तकदीर का लिखा हुआ तुम तावीजों से बदलोगी? झूठ बोल रही हो तुम। वो तावीज भी जरूर तुम्हारा ही होगा, क्योंकि आजकल तुम्हारे दिमाग में ये जहालत सवार हुई है। अच्छा, रुके जरा। हाजरा, इधर आओ। जी बाजी। बताओ भाई को, अलीना बाजी के हाथ में तुमने क्या देखा था? फरहान भाई, वो मैंने अलीना बाजी के हाथ में तावीज देखा था, वो पकड़े खड़ी हुई थी, मुझे देखा तो बदल गई। जाओ, अब बोल दे, इसको भी मैंने पैसे दिए झूठ बोलने के लिए, और अम्मी को भी मैंने नहीं बताया था, हाजरा ने बताया था। यही अगर अलीना मेरे पे इल्जाम न लगाती तो मैं कभी भी इस मामले में नहीं आती। तो फिर तुम उनके घर क्यों गई थी लड़ने के लिए? इस वजह से कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनी माँ और अपनी बहन की इन्फ्लुएंस में रह के कर रही है। लेकिन वो लोग तो ढिटाई की तरह मुझे ही गलत कही जा रहे थे। अम्मी भी खुद नाराज होकर वहां से वापस आई है। पूछो ना अम्मी से, आप बताएं, जो अलीना ने मेरे साथ किया वो क्या ठीक था? आप भी तो वहां पे थी ना? मेरा ख्याल है जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस लड़ाई झगड़े में हम सबका। नुकसान?
अम्मी किसी की मौत हुई है, कोई मरा है, आप उसको नुकसान कर रही है छोटा सा। तो मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? बार बार एक ही बात करके मुझे क्यों मुजरिम ठहराया जा रहा है? तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस घर में पुलिस आ जाती तो तुम्हें उठा के ले जाती, जेल में बंद कर देती तुम्हें, तुम्हारे पर इन्वेस्टिगेशन होती, कार्रवाई होती, मैं अदालतों के चक्कर काटता, पागल हो जाता मैं, बदनामी अलग होती, दो घोड़ी की इज्जत नहीं रह जाती। तुम्हारे लिए तो हम अंबर राशिद भाई की मिन्नतें करके आए हैं। क्या? जब मुजरिम की लेन में आप भी आगे खड़ी है ना, तो एक बात क्लियर समझे कि आप अपने लिए मिन्नतें करके आई हैं, मेरे लिए नहीं। ओके अंकल, आप अपना ख्याल रखिए, मैं घर निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अलीना तुम्हारे साथ जा रही? नहीं नहीं, वो यहीं रुकेगी आप लोगों के पास। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम दोनों ने इन हालात में मेरा बड़ा साथ दिया है। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, अल्लाह ताला ऐसे दामाद हर बेटी वालों को दे जो बेटे बन कर रहे थे। हारून बेटा, अलीना की बात को नजरअंदाज कर, तो वो माँ की मौत की वजह से बहुत तल्ख हो गई है, सदमे में है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत कर। अंकल प्लीज, मैं समझता हूँ कि अलीना किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है, और आप सब भी। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं भाभी की वजह से। अरे नहीं बेटा, शर्मिंदा तो अंबर को होना चाहिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम शर्मिंदा मत हो, जाओ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खफा मुझसे अभी? ठीक नहीं किया आपने अम्मी, अंबर भाभी का साथ देख के बिल्कुल ठीक नहीं किया। नहीं, मैंने किसी का साथ नहीं दिया। इसे साथ देना ही कहते हैं अम्मी। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो अभी तक? अपनी माँ को जानता हूँ, इसलिए तो हैरान हो रहा हूँ कि आपने कैसे भाभी की बातों में यकीन कर लिया। क्या आप भूल गई हैं वो कितना झूठ बोलती? तुम ठीक कह रहे बेटा, मुझसे इस बार बड़ी गलती हो गई। अलीना ने घर आने से इनकार कर दी। वो कह रही है वो इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक अंबर भाभी आए। तो अपनी बीवी के दिमाग में एक बात अच्छी तरह से डाल दो कि इस घर की आदि मालकिन तो मैं हूं, तो मुझे तो अब इस घर से कोई निकालने से रहा। और शायद आप भूल रही हैं भाभी कि मेरे ही कहने पे भाई ने अपना आधा हिस्सा आपके नाम किया, और वैसे भी आपको इस घर से कोई नहीं निकाल रहा। आप खुशी खुशी इधर है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं।
था ना आपको कि वो लड़की आपका बेटा आपसे छीन लेगी। मुबारक हो, मिल गया मौका उसको।